मैं तो दरबार से निकली, मैं तो घर से नहीं आई। ठीक है सर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी अफसर हूँ तो ये मेरे ऊपर कैमरा लगा रहे हैं। मैं निकली हूँ उधर से बीबी पाक से, लड़कों ने वॉशरूम में मेरी इंसल्ट की है। कभी तुम कह रही हो दरबार जाना है, कभी कह रही हो दरबार से। तू खबर लगा। गाड़ा करती हूँ रिश्को वाले के साथ, मोटर वाले के साथ, सारे मैं लाहौर मैं चक्कर लगाती हूँ। और बातें इसकी जुबान और जो इसका जो इसने एथिक्स का मुजाहरा किया है वो भी आपने सुन ली है। तो मैं बीबी पाक से निकली, सारे जानते हैं मैं कहाँ से आई हूँ, सब जानते हैं। रक्षे वाले को जिन्होंने मुझे भेजा है। रक्षे वाला कहाँ, इधर आए, आगे इधर आगे मेरे साथ कब्र पे आ। आपने जो कह दिया ना वो मुझे याद है, ठीक है ना। अब आगे आपने एक लफ्ज नहीं कहना, दूसरे शहरी भी खड़े हैं ना। बकवास कर दी भी कि मैं उकाड़े दी नहीं है। कहाँ से आई, ये क्या बात हुई, ये कैमरा लगा के ये क्या करेंगे। जाहिर है हमने अपनी पूरी तसल्ली करनी है ना। किस बात की, कहाँ से आ रही हो, किधर से आ रही हूँ मैं, घर से आ रही हूँ किधर। कहाँ घर कहाँ है, कोई जगह हो, ये किसने कहा है, कोई जगह है, कोई कहाँ से आ रही। मैं बीबी पाक से वापस आई हूँ। वो किस जगह की रहने वाली। मैं डिफेंस की रहने वाली हूँ। डिफेंस की, ऑफ कैमरा तुमने मांगा का है। अकेली क्यों आई हो, अकेली क्यों आई हो, रात का पता है क्या टाइम है, क्या टाइम हुआ है। नहीं पता। घर से आई हो तुम्हें नहीं पता। मैं तो दरबार से निकली, मैं तो घर से नहीं आई। अभी तुम कह रही हो कि मैं इधर बीबियाँ से आई हूँ फिर दरबार से आई। मैं इनके साथ थी। इनके साथ, ठीक है सर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं इतनी बड़ी अफसर हूँ तो ये मेरे ऊपर कैमरा लगा रहे हैं, बहुत बुरी बात है। क्या बड़ी अफसर हूँ। उन्होंने जाना था उकाड़ा, उनके पास किराया नहीं और गाड़ी भी नहीं है। वो कहती मुझे बीबिया साहब उतार दो, मैं सुबह जाऊँगी। सर मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, मैं आप मेरे साथ जाऊँगी, मेरा घर है, मेरी बहने हैं। मैं निकली हूँ उधर से बीबी पाक से, लड़कों ने वॉशरूम में मेरी इंसल्ट की है। मैं उधर से यहाँ आई हूँ, अभी इसके साथ मेरे पास किराया नहीं था, मैंने कहा मुझे वापस छोड़ के आए। मैं झूठ बोल रही हूँ, टाइम क्या है इस वक्त, टाइम क्या हुआ है? मुझे क्या, 2:30 का टाइम है। अच्छा, तो 2:15 से 2:30 का टाइम है। अच्छा, कभी तुम कह रही हो दरबार जाना है, कभी कह रही हो दरबार से। तू खबर लगा। क्या करती, कुछ नहीं करती, गाड़ा करती हूँ रिश्को वाले के साथ, मोटर वाले के साथ, सारे मैं लाहौर मैं चक्कर लगाती हूँ। तुमने जो बोलना है वही सामना स्क्रीन पर आना है, हम खुद तुमसे नहीं होगा। मुझे क्या है, जो तुमने बोलना है हम तुमसे कोई गन पॉइंट पे नहीं कह रहे, तुमने यही बोलना है, अपनी मर्जी से बोल। लेकिन कपड़े तुमने क्यों खोले मेरे, जाहिर है हमने चेकिंग की, किस लिए, क्यों, हमारी ड्यूटी है। तुम कहीं से भाग के आ सकती है। अभी 2 दिन पहले हमने एक शॉपर चेक किया, उसमें हथौड़ा, लड़के के अंदर शमीज के अंदर कैंची और छुरी थी। उसने किसी के गुर्दे नहीं खा लिए, हमें क्या पता, कसूर वो मैंने, तुम भी तो मशकूक हो। अच्छा, तुमसे हमने मालूमात पूछी ऑफ कैमरा, तुमने कुछ नहीं बताया। अच्छा, बताया उधर से निकली है गाड़ी, हमने शॉपर, हमने तो शॉपर चेक करने थे, उस शॉपर में है क्या, हमने तसल्ली कर ली, गलत मैं नहीं हूँ, हमने सिर्फ इसके शॉपर की चेकिंग की है। और बातें इसकी जुबान और जो इसका जो इसने एथिक्स का मुजाहरा किया है वो भी आपने सुन ली है। तो मैं बीबी पाक से निकली, सारे जानते हैं मैं कहाँ से आई हूँ, सब जानते हैं। रक्षे वाले को जिन्होंने मुझे भेजा है, हमने रक्षे वाले को। तो फिर तूने ऐसा तमाशा क्यों किया, रक्षे वाला कहाँ, इधर आए, आगे इधर आगे मेरे साथ कब्र पे आ। अब इधर बात कह रही है जी, इसके ऊपर हमने कोई जबरदस्ती की है, इसे हमने क्या बात, नहीं आपने तो जो आपकी क्या ना ड्यूटी है आप तो वो निभा रहे हैं। हमने इससे कोई नहीं ड्यूटी निभा, अपनी ड्यूटी। इसने क्या किया, इसने क्या, आप ही मेरी बात सुने, वो ठीक है, दुनिया आप जो कर रही हैं बिल्कुल अच्छा है, आपका जो काम है बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इसलिए कहा है क्योंकि तुम बढ़ रही थी, तुम्हें लगाम देना था। अच्छा। जब तुम्हें कहा है तुम दो तलाक कर रही हो, मैं रंग रलिया मना रही हूँ तो ये बस तेरे कलेजे पर ठंड पड़ गई। आपने प्यार से बात करने, उनको जो अपना प्रॉब्लम है वो बताया कि ये मसला है उनका। इसने कहा, उकाड़ा, ये कहती मैंने मेरे पास कराया नहीं, मुझे बीबिया उकाड़ा है। आपको इसने कहा से ये रिक्शे पे मिली, ये मीनार पाकिस्तान से। अच्छा, नहीं मुझे सिखा दे बीबी,
लिबास अपना चेक कर। मैं इतनी बड़ी अफसर हूँ, मैंने फिर भी चुप करे। फिर तू ये भी कह रही है कि तू अफसर, और जिसने अपॉइंट किया उसने देखा तू तेरी अफसरी क्या क्वालिफिकेशन था, क्या कैमरा ऊपर करना। अब लगा लैट बा मेरे चेहरे पे लगा, तूने रंग रलिया मुझे दिखानी थी, और फिर सब लोग मुझे देखते कि मैं ऐसी हूँ। उकाड़े किस जगह जाना है सर, मैं चली जाऊंगी। अब रहने दे, पूछ रहा ना, उकाड़े बताएं, उकाड़े बताएं किस जगह पे जाना है। तुम्हारे पास किराया नहीं तो मैं भिजवा देती हूँ, तुम अपना उकाड़े किस जगह जाना बताओ। रहने दे, जितनी अगर सच्ची हो ना तुम अपना एड्रेस। आपने जो कह दिया ना वो मुझे याद है, ठीक है ना। अब आगे आपने एक लफ्ज नहीं कहना, दो दूसरे शहरे भी खड़े है ना, वो तो नहीं बोले। हम साडे इलाके दी अंगी दी औरत नहीं होंदी ना, यो बाहर आ। ये कौन सा इलाका बताओ मुझे? लाहौर है, उकाड़े दी तुमको। अच्छा लाहौर वाली, लाहौर वाली के मैं बदनामी कर रही हूं। आपकी सिर्फ सुभान है कि आपकी सिर्फ कुछ शर्म ते हया होनी चाहिंदी है, साडे इलाके दे अंगी दे लोग नहीं है। आपने खुद देखे मेरी गुफ्तगू, और इसके ये अफसर है, इसकी गुफ्तगू अफसर हमेशा क्वालिफाइड होते हैं। अफसर बगैर क्वालिफिकेशन के लगाए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। वो कह रही है जी मैं अफसर हूँ। मैं वन पे कॉल करूँ इसको अंदर देना। इसे कहे मुझे पुलिस के मुंह तो लगेंगे ना, मैं बता दूंगी उन्हें जाकर, आप मुझे जाने दे। नाज़रीन सारा मामला आपने सुना, यहाँ पर आवाम भी इसके बारे में, रिक्शा ड्राइवर भी इसके बारे में जो कह रहा है, इसकी ज़ुबान में सुनिए, इसके माशाल्लाह एथिक्स भी सुनिए। ये जी अफसर है, किसी महकमे में अफसर है, और मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो अफसर होते हैं क्वालिफाइड होते हैं या माशाल्लाह ऐसी ज़ुबान के मालिक होते हैं, फैसला आपने करना है सही और गलत का। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, फ़ी अमानिल्लाह।